मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास। आज मैं आपको विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन बुक से नहीं पढ़ाया था मैंने, सिर्फ ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर समझाया था। अब आज मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से पढ़ना समझना। देखिए बुक में सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे हम। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष, संख्या मात्र, संख्या मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या फिर हम इजी लैंग्वेज में जो आप पहले भी पढ़ चुके हो इसकी परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। फिर ये बताया कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। समझ में आ गया। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। जैसे रमन ताजे फल लाया है, है ना। तो अब ताजे फल तो क्या है, विशेषण है। सॉरी, रमन ताजे फल लाया है। अब इसमें फल तो क्या है, विशेष्य है, है ना। और विशेषण क्या हो गया, ताजे, मतलब फल की विशेषता क्या, कैसे है कि वो ताजे ताजे फल लाया है। फिर सेकंड में थोड़ा दूध, है ना, मैंने थोड़ा दूध पिया है। अब दूध तो क्या है, विशेष्य है। अब दूध कैसा है, थोड़ा है, है ना। तो दूध की विशेषता क्या है कि भाई दूध थोड़ा सा ही है। फिर वह सातवीं कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पर विशेष्य क्या है, कक्षा। अब कक्षा की विशेषता क्या है, सातवीं। कौन सी कक्षा है, सातवीं, मतलब संख्यावाचक विशेषण आ गया ना। अब जब हम भेद पढ़ेंगे उसके, तब उसमें ये भेद आएगा संख्यावाचक विशेषण, तो ये उसका भेद आ गया, भाई कक्षा कौन सी है, सातवीं कक्षा है, ठीक है। चलिए, विशेषण की परिभाषा हो गई कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। अब विशेषण के रूप भेद, ठीक है। विशेषण के चार भेद होते हैं, कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष आदि के विषय में बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण दोष बता दिया हमने, गुण में हमने दे दिया अच्छा, दयालु, ईमानदार, धार्मिक, है ना। या फिर रंग बता दिया, नीला, काला, पीला। आकार बता दिया, गोला, गोल, छोटा, बड़ा, आयताकार। स्वाद बता दिया, खट्टा, मीठा, है ना। और दोष बता दिया, आलसी, झूठा, पापी। या स्थान बताया जा रहा है, प्राचीन, ग्रामीण, है ना, नागरिक, भारतीय, नवीन, जापानी, भाई वो कहाँ का कैसा है ये बताया जा रहा है। तो वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में ही आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, ऊंची इमारत, बूढ़ा व्यक्ति, है ना, इस तरीके से। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, सब बच्चे, आधे पृष्ठ, 40 छात्र। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। क्या है, दो भेद होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में तो क्या होता है, निश्चित संख्या लिखी हुई आती है। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो रुमाल है, 200 रुपये हैं, 3 व्यक्ति है, है ना, संख्या लिखी हुई आ रही है पहले। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, इसमें संख्या निश्चित लिखी हुई नहीं आएगी। जैसे कुछ लिखा हुआ आ गया, थोड़ा लिखा हुआ आ गया, इस तरह से संख्या निश्चित नहीं आएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चित्र, थोड़े छात्र, है ना। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। नाप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो सेम, 1 लीटर दूध। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भी, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में तो जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 मीटर है, कपड़ा है, 2 किलो घी है। तो अब इसमें भी निश्चित लिखा हुआ आएगा, निश्चित परिमाण लिखा हुआ आएगा। जैसे 5 मीटर कपड़ा है, 2 किलो घी है ना, संख्या लिखी हुई आएगी इसमें भी।
और अनिश्चित में संख्या लिखी भी नहीं आएगी। मतलब जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ी चीनी, कुछ दूध, है ना, कुछ फल। अब निश्चित नहीं है ना, संख्या नहीं लिखी हुई इसमें। फिर है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह लड़की अच्छा गाती है, है ना, तो वह सर्वनाम शब्द है। अब इसे संकेत विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, संकेत करके बताया जा रहा है कि वह लड़की अच्छा गाती है, तो ये कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। समझ में आ गया? चलिए, अब परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है? परिमाण में तो ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग उन वस्तुओं के साथ होता है जिनमें केवल नापा तोला जा सके, है ना, और संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? ऐसे विशेषण जिनका प्रयोग गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ होता है। समझ में आ गया दोनों में अंतर? परिमाण में तो नाप तोल वाली वस्तुएँ आती हैं और इसमें गिनी जाने वाली वस्तुएँ आती हैं। ठीक है, ये अंतर है। फिर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनाम तो आप पढ़ चुके हो। जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वो तो क्या होता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह कल नहीं आया था, वे दौड़ रहे थे, है ना। और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह लड़का, संज्ञा के साथ ही आ रहा, लड़का क्या है? संज्ञा है ना। अब यह को संज्ञा के साथ प्रयोग किया जा रहा है, यह सर्वनाम शब्द है और लड़का संज्ञा शब्द है, तो यह को लड़के के साथ में संज्ञा शब्द के साथ काम में लिया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब आज के लिए इतना ही बहुत है, कल हम इसके आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।